चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में दूसरे चरण का मतदान जारी है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी वोट डालने पहुंची, उनसे खास बातचीत की न्यूज 24 संवाददाता ने, सुनिए। झारखंड की राजनीति में एक ऐसा नाम जिन्होंने काफी कम समय में अपना बड़ा नाम कमाया है, मैं बात कर रहा हूं कल्पना सोरेन की, जो इस वक्त हमारे साथ है। मैम ये बताइए कि आज चुनाव हो रहा है गांडे विधानसभा क्षेत्र, किस तरीके से देखती है? 6 महीना पहले आपने उपचुनाव के दौरान काफ़ी बड़े बहुमत के साथ जीत हासिल की। जी आपको जोहार है, और बस मैं ये कहना चाहूँगी कि उपचुनाव में मुझे गांडे की जनता ने बहुत सारा प्यार सम्मान दिया, और मैंने भी अपनी तरफ से 4 से 5 महीने में जीतोड़ मेहनत करके गांडे को एक नए स्वरूप में बदलते हुए मैंने अपना परिश्रम दिया है। चाहे आप रोड की बात करें, पुल पुलिया की बात करें, सोलर लाइट की बात करें, आप आने वाले समय में मैं ये चाहूँगी कि खास करके हमारी यहाँ की जो महिलाएं हैं उन लोगों को कैसे मैं छोटे छोटे उद्यमों से जोड़ूं, हमारे युवाओं को कैसे मैं जोड़ूं, और ख़ास करके हमारे किसान भाई हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर पानी की दिक्कत होती है, तो मेगा लिफ्ट परियोजना जैसे 6 जगह में चल रही हैं वैसी मैं ऐसी परियोजना अपने गांडे में लेकर के आऊँ। 2024 का जो साल रहा वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए, और उसी साल में जो है विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है और नतीजे भी आने वाले। जी जी जी, ये साल ऐसा उतार चढ़ाव का है क्योंकि कहीं ना कहीं साल की शुरुआत में हेमंत सोरेन जी को षड्यंत्र के तहत जेल में डाला भी जाता है, 5 महीने जेल के अंदर रहते भी हैं, और उसी बीच में लोकसभा का चुनाव होता है, और उस लोकसभा चुनाव में अगर आपने परिणाम देखा है तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड में हमारी जितनी 5 आरक्षित सीटें थी वो हम लोगों को महागठबंधन को जीत दिलाई, और किन्होंने दिलाई? झारखंड की जनता ने दिलाई। और उसी तरीके से इसी साल में विधानसभा का चुनाव भी है, और आज आखिरी वोटिंग है क्योंकि 2 ही चरण में चुनाव हुआ है, तो कहीं ना कहीं मैं ये जानती हूँ और समझती हूँ और महसूस करती हूँ कि जनता हमारी, और ख़ास करके झारखंड की जो जनता है, उसका पूरा प्यार, अटूट विश्वास हेमंत सोरेन जी के ऊपर में है, महागठबंधन पे है। और मैं जानती हूँ कि 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो महागठबंधन की सरकार ही बनने वाली है। NDA के तरफ से और खासकर BJP के नेताओं के तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए, जैसे अगर भ्रष्टाचार का आरोप, घुसपैठियों का नारा दिया गया, ये कहा गया बटोगे तो कटोगे, तो इसका जवाब आप लोगों ने, मतलब कौन सा जवाब लेके जनता के पास जा रही है? हमने यही बोला कि जो हमने देखिए काम, ये 5 साल में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 साल में 2 साल हम लोगों ने कोविड में बिताया है, जान माल की रक्षा की है उस वक्त जब पूछने वाला कोई नहीं था, और एक राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने भाई के तौर पर, बेटा के तौर पर पूरे राज्यवासियों को बाहर से जो हमारे प्रवासी लोग थे, मजदूर लोग थे, उन लोगों को लाने का काम किया। आप उस कठिन समय में भी हेमंत जी घर के अंदर में बंद नहीं थे, जब हमारे विपक्ष के लोग घर के अंदर में अपने आप को लॉकडाउन करके रखे थे तो हेमंत सोरेन जी रोड में घूम रहे थे और सब लोगों को, चाहे दवाइयां हो, चाहे हमारी उनकी सुरक्षा हो, उनका खाना पीना हो, ये कराने का काम कर रहे थे। उसके बाद का जो 3 वर्ष रहता है, 5 महीने जिसमें जेल होती है, आप समझ सकते हैं ये 2.5 साल की सरकार में हेमंत सोरेन जी ने हर वो बुनियादी चीज़ें देने का काम किया है जो पहले हो जाना चाहिए था लेकिन आज तक नहीं हुआ था। और ये 24वां हम लोग वर्ष मना रहे हैं, 24 साल हो गए हैं झारखंड को बने हुए, और इस बार चाहे पेंशन हो, अबू आवास हो, हरा राशन कार्ड हो, हमारी मैया सम्मान हो, बिरसा हरित ग्राम हो, सावित्री बाई फूले की योजना हो, या आप कह सकते हैं कि हमारी हमारे किसान जिनका लोन, जो ऋण लेकर के अपना खेती बाड़ी करते हैं, उनका एक एक किसान का 2-2 लाख ऋण माफ़ हुआ है, बिजली बिल माफ़ी हुई लोगों। 23 तारीख के बाद आप लोग अपने कैमरे पर इस खुशखबरी को जरूर दिखाएंगे, तो हमारे साथ ही कल्पना सोरेन, जो काफ़ी आशा है इनको और दावा कर रही है अपनी जीत का, और साथ ही यह भी कहना है कि 23 के बाद एक बार फिर से झारखंड में हेमंत की सरकार। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, गिरिडीह, न्यूज़ 24।